Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Construct a regular hexagon of side 4 cm. Construct a circle circumscribing the hexagon. इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है। एक क्विक मेथड होगा और एक स्लो मेथड होगा। आपकी बुक में थोड़ा स्लो मेथड दिया है। अभी मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज करता हूं, छोटी सी रफ डायग्राम में, देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या है, ये कह रहे हैं कि आप एक हेक्सागन बनाइए और उसके चारों तरफ सर्कल बना दीजिए। मैं कह रहा हूं आप एक सर्कल बनाइए और उसके अंदर हेक्सागन बना दीजिए। क्या किसी को पता चलेगा कि इसमें से पहले कौन सा बना था, पहले हेक्सागन बना था या पहले सर्कल बना था? ये किसी को नहीं पता चलेगा। तो इसी बात को एम्प्लॉय करने के लिए हम एक सिंपल ट्रिक लगाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, अगर आप पहले हेक्सागन बनाएंगे तो आप हेक्सागन को यहां ऐसे ऐसे करके उठाएंगे तो जो लास्ट साइड होगी वो या तो बहुत छोटी आएगी या बहुत बड़ी आएगी, और आपका हेक्सागन जो है वो रेगुलर नहीं रहेगा, सारी साइड्स मीट नहीं करेंगी, ये दिक्कत आपको आएगी। तो उसके लिए मैंने लूप अराउंड खोज लिया है। वो YouTube में बहुत सारे वीडियो हैं जिन्होंने ऐसे ही हेक्सागन बनाया है। उन क्वेश्चंस में क्या होता है कि सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग एन हेक्सागन, या ये बोले कंस्ट्रक्ट अ सर्कल एंड ड्रॉ अ रेगुलर हेक्सागन इनसाइड इट, ऐसा आता है। बिगेस्ट पॉसिबल हेक्सागन, ये सारी बातें सब एक ही चीज है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं बहुत ज्यादा बातचीत किए बिना, और 4 सेंटीमीटर की बात है। तो यहां पर एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्या कि अगर एक रफ डायग्राम में बना लेते हैं, हम लोग के पास एक हेक्सागन है जो एक सर्कल के अंदर है, तो यहां पर एक बहुत स्पेशल बात आ जाती है। क्या स्पेशल बात आ जाती है कि जो सर्कल का सेंटर है वहां से हम लोग बनाते हैं तो रेडियस इक्वल होते हैं, ये आर है, ये आर है ना, क्योंकि ये हेक्सागन है। ऐसे 6 ट्रायंगल्स बनेंगे, तो ये 60 डिग्री, ये ऐसा 60 डिग्री वाला ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर आ जाती है, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाती है। ये सब बातें आपको पता भी होंगी। तो ये क्या हुआ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो यानी कि ये सारी साइड्स बराबर है। अब हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपको हेक्सागन साइड 4 सेंटीमीटर का बनाना है, यानी कि ये जो साइड है ये 4 सेंटीमीटर की है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों भी 4 होंगे, यानी कि जो हमें सर्कल बनाना है वो रेडियस 4 सेंटीमीटर का ही होगा। सिर्फ हेक्सागन में और सर्कमस्क्राइब के केस में ये ट्रिक काम करती है। ट्रिक्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों, वो स्पेसिफिक केसेस में ही काम करते हैं, हर जगह काम नहीं करते, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हम लोगों ने ले लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर लेते हुए हम लोगों ने एक बड़ा सा सर्कल कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, जाहिर है हमने 4 सेंटीमीटर लिया है तो उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर ही होगा। अब कहीं पे भी आप ये ले लीजिए, कहीं पे, और आपने ये लिया, ये अभी भी 4 सेंटीमीटर है ना। फायदा ये हुआ कि हमने रेडियस 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया और कहीं पे भी हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। ये लिया, एक बार कट किया, एक और बार कट किया, है ना, बहुत ही आपको इजी लगेगा ये लूप अराउंड। ये कट किया, ये कट किया, कितने हो गए, है ना, एक पॉइंट तो यहां पहले से ही था, और ये कट किया, वो रेडियस 4 सेंटीमीटर आपने चेंज नहीं किया। एक पॉइंट हमारे पास ये इनिशियल वाला था, 1 2 3 4 5 और मिल गए तो 6 पॉइंट्स हो गए, बस सबको आपस में जोड़ दीजिए, बन गया आपका हेक्सागन, है ना इजी। स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2IITians। कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर।
construct a circle circumscribing the hexagon. Question ये कह रहा है कि पहले आप एक hexagon बनाइए. Hexagon बनाने के बाद आप उसके चारों तरफ एक circle बनाइए. ठीक है? अगर कोई बच्चा ये करता है कि पहले एक circle बना ले और उसके अंदर एक hexagon बना दे, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, है ना? तो इसी बात को हम लोग यहां पर एम्प्लॉय करेंगे. हम क्या करेंगे? पहले सर्कल बनाएंगे और फिर हेक्सागन बनाएंगे. वो क्या कह रही है कि पहले आप हेक्सागन बनाइए फिर आप सर्कल बनाइए. ठीक है, जब बन जाएगा तो किसी को तो नहीं पता चलेगा जब आप एग्जाम में सबमिट करेंगे कि पहले क्या बन रहा है. उसका कारण क्या है कि ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं ये आपके बुक में दिए गए मेथड से बहुत ज्यादा इजी है. ये मेथड मैंने नहीं बनाया है, ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारे लोग इस तरह का वीडियो पोस्ट कर चुके हैं. इसमें एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ हेक्सागन है जो यूज होती है. पहले वो प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए. होता क्या है बच्चों कि अगर एक कोई बड़ा सा हेक्सागन है, बड़ा सा या किसी भी साइज का हेक्सागन है, वो अपने चारों तरफ एक सर्कल लेकर आया है. मतलब अ सर्कल इज सब्सक्राइबिंग, अ सर्कल इज सब्सक्राइबिंग अ हेक्सागन या अ हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड अ सर्कल, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो उस केस में आप अगर इन दोनों का एक सेंटर लें, वो सेंटर सर्कल का सेंटर होगा और डायगनल्स का मीटिंग पॉइंट होगा. इसको इससे कनेक्ट कर दें तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल होगा. ये एंगल 60 डिग्री होगा. क्यों? क्योंकि 360 डिग्री को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है. ऐसे 6 ट्रायंगल बनेंगे ना, तो 360 डिग्री को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो ये 60 डिग्री हो गया. अब ये आइसोसेलेस तो है ही, इतना तो हमें पता ही है क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. बचा हमारे पास कितना है? 120 डिग्री. 120 डिग्री इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड होगा तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा. तो हेक्सागन में जो ट्राइंगल बनेगा वो ना सिर्फ आइसोसेलेस होगा, वो इक्विलेटरल भी होगा. तो जो यहां पे रेडियस होगा वही साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा. यानी ये ट्रायंगल आर 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 वही साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा, वही साइड ऑफ द हेक्सागन होगा. ठीक है, जो सर्कल का रेडियस होगा वही लेंथ ऑफ साइड भी होगी. तो अब जैसे हमें हेक्सागन बनाना है 4 सेंटीमीटर का, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे 4 सेंटीमीटर रेडियस का और उसके अंदर हेक्सागन बना लेंगे, तो अपने आप वो 444 का ही बनेगा. एक बार हमें अपने कंपास में 4 सेंटीमीटर लेना होगा, उसी को हम लोग यूज करते रहेंगे, फटाक से सारी ड्राइंग बन जाएगी. अब देखिएगा कितना इजी पड़ता है ये वाला मेथड जो मैंने बताया है. जो आपके बुक में दिया हुआ है वो भी मेथड मैं सॉल्व करूंगा, आप चिंता मत करिए. बट एग्जाम में अगर आप क्या करते हैं कि पहले हेक्सागन बनाते हैं और आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो होगा क्या, ये साइड ये आपस में इक्वल होंगी, फिर ये दोनों साइड आप बना देंगे वो भी इक्वल होगी, लेकिन क्या होगा, ये साइड छोटी पड़ जाएगी या ये साइड बड़ी पड़ जाएगी और इन दी एंड आपका जो हेक्सागन है वो रेगुलर नहीं बनेगा. उसका आप सर्कम सर्कल बनाएंगे वो भी सही नहीं बनेगा और आप एग्जाम में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. शायद आपने फेस भी किया होगा कॉपी में बनाते समय. तो मैं एक आपको लूप अराउंड बता रहा हूं कि आप इस रास्ते से लेके मतलब जो नॉर्मल रास्ता है वो ना लेकर आप दूसरे रास्ते से चले जाए और बाद में आप लीपापोती कर दें. लीपापोती करना भी मैं आपको सिखाऊंगा. चलिए, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं. हमें यहां पे 4 सेंटीमीटर की इंफॉर्मेशन दी है. ठीक है, 4 सेंटीमीटर हमने अपने स्केल में ले लिया, बहुत बढ़िया. ठीक है, और एक सर्कल फटाक से बना दिया, बन गया सर्कल.
लो, तो हम लोग ने सर्कम सर्कल पहले ही बना लिया है। अब ये ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर है यहां पे, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि यहां पे आप ऐसा पॉइंट चूज करें कि ये हॉरिजॉन्टल रहे, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हेक्सागन बनेगा तो मजा नहीं आएगा। इसलिए ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो, ये आप एंश्योर करिए, नहीं भी करते हैं तो भी आपका आंसर सही है। तो ये हमने कट किया तो ये लेंथ 4 सेंटीमीटर हो गई। उसी तरह हम लोग कट करते चले जाए, एक्चुअली मैं बोर्ड के सामने ना आऊं, मैं कोशिश कर रहा हूं। ओके, अब आप देखेंगे कि यहां से आप पॉइंट रखेंगे तो ये फिर से अपने पुराने वाले में आएगा, बट इसे आप मत कट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 1 2 3 4 5 आर्क और एक स्टार्टिंग पॉइंट, 6 वर्टिसेस हमें मिल चुके हैं, सबको आपस में कनेक्ट कर दीजिए। एक कनेक्शन हम लोग ने कर भी दिया है, और थोड़े स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान दे दें। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस, एनी पॉइंट जो शुरुआती पॉइंट हमने लिया था वो कहीं पे भी आप ले सकते हैं, तो ये पॉइंट हम लोग ने लिया था ए। अब हमने क्या किया, ए एज सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, draw an arc to intersect the circle at B. ठीक है, repeat the process till we get 6 vertices A, B, C, D, E and F of the hexagon. तो यही प्रोसेस हम लोगों ने रिपीट किया, A, B, C आ गया, D आ गया, E आ गया और F आ गया, है ना, तो 6 आ गए हमारे पास। फिर join A, B, B, C, C, D, DE, है ना, एंड DE, EF एंड FA, DE, EF एंड FA। तो अभी हम लोग ने सिर्फ AB ज्वाइन किया है, बाकी को भी ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर लिया आप तो, therefore the regular hexagon circumscribed by a circle is constructed। लेकिन ये कैसे हम लोग ने बनाया, एक ट्रिक मेथड से बनाया, ठीक है। तो एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप ये बना लें और उसके बाद अपनी लीपापोती कर लें। लीपापोती करने का मतलब ये है जो और सारे आर्क्स और कंस्ट्रक्शन लाइंस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आपकी बुक में बने हैं उन सबको आप इनके ऊपर लगा दीजिए और ऐसा लगे कि हमने सब कुछ सही प्रोसीजर से बनाया है। तो अब वो भी हम लोग करेंगे, बट वहां पर देखिए ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप बिल्कुल मत लिख कर आइएगा, क्योंकि ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके इस मेथडोलॉजी के लिए है, आपके समझने के लिए ये नहीं लिखने हैं। अभी हम लोग ने अपने डायग्राम का एक रफ फ्रेमवर्क बनाकर रख लिया, मतलब स्केलेटन है, अब इसके ऊपर हम लोग को फ्लैश और स्किन डालना, तो आपका डायग्राम बन जाएगा। देखिए आपकी बुक क्या कह रही है वो वाला प्रोसीजर पहले समझ लेते हैं जल्दी से। एक आप लाइन सेगमेंट बनाइए ए बी, इसके दोनों तरफ आप 120 डिग्री बनाइए। 120 डिग्री इसलिए क्योंकि हम लोग हेक्सागन बनाने वाले, 120 डिग्री आपने बनाया। उसके बाद पॉइंट्स आपने ये बहुत आगे तक एक्सटेंड कर दिए हैं किसी भी पॉइंट तक,
ठीक है, लेकिन इसमें से आपने, क्योंकि हमें हेक्सागन 4 सेंटीमीटर का बनाना है, तो लाइन सेगमेंट AB 4 का बनाया गया था, फिर यहां से 4 का काटा गया, फिर यहां से 4 का काटा गया, ये और 4 यहां पर आ गया। फिर आपने इस पॉइंट को मार्क कर दिया, ये पॉइंट क्या आ गया अपना F और ये पॉइंट आ गया C। इसके बाद हमने क्या किया, इस तरफ खूब बड़ा सा बनाया, इस तरफ खूब बड़ा सा बनाया, ऐसे कि ये 120 डिग्री आ जाए, ये भी 120 डिग्री बना दिया। अब ये 4, ये 4, ये 4 हो गया, दोबारा यहां पे 4 काटा, दोबारा यहां पे 4 काटा, ये 4, ये 4 आ गया। अब ये जो पॉइंट्स आ गए, इनका नाम हम लोग ने दिया, दे दिया क्या, ई और डी। ई और डी आ गए, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो हमारे पास बन गया ए बी सी डी ई एफ, हमारा हेक्सागन जो है कंप्लीट हो गया। हेक्सागन बनाते हुए हमने केवल इस पॉइंट तक क्रम खत्म किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे एबी का, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे एएफ का, और ये पॉइंट हम लोग को मिलेगा सेंटर ओ। सेंटर ओ से सर्कल ओए रेडियस लेंगे और सर्कल हम लोग बना देंगे। देखिए काफी गंदगी हो चुकी है डायग्राम में, और इसमें थोड़ी कम होगी, साथ साथ में हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते रहेंगे। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये बना लिया हम लोगों ने ए बी 4 सेंटीमीटर, एट ए हमें 120 डिग्री बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना कंपास ऐसे रखेंगे, फिर ये पॉइंट, ये जो आर्क है इसे 120 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री से बड़ा बनाएंगे, फिर उसके बाद इसी आर्क पे ये जो पॉइंट कट किया, ये पॉइंट होगा 60 डिग्री, लेकिन अब जो अगला होगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये देखिए 120 डिग्री वाला आर्क हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग इसे जोड़ देंगे, इस पॉइंट को और इस आर्क के इंटरसेक्शन को जोड़ देंगे, और थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे। आगे तक इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि हमें अभी 4 सेंटीमीटर लेंथ का नहीं पता है, ठीक है, आगे तक बढ़ा दिया, उस पॉइंट का नाम हम लोग ने दे दिया क्या, क्यू। तो क्यू थोड़ा छोटा बन गया है, तो क्यू हो जाएगा हमारा, क्यू ए बी इज नाउ 120 डिग्री। अब यही काम इधर पे करेंगे, ठीक है, किया और नाम दिया पी, तो पी बी ए हो गया कितना 120 डिग्री। लेकिन क्योंकि हमें हेक्सागन जो बनाना है वो 4-4-4 का रेगुलर हेक्सागन बनाना है, तो अब हम लोग इसमें से कट ऑफ कर लेंगे। कितना कट ऑफ करेंगे, 4 सेंटीमीटर, है ना, तो बस ये रखा यहां पर अपने पॉइंट पर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ही हमने ये किया तो देखिए पॉइंट्स ए बी तो हमें यहां मिले ही थे, अब हमें मिल गए एफ और सी। रफ डायग्राम बनाने का फायदा आप देख रहे हैं, एफ और सी यहां पर हम लोग लिख देंगे, कट ऑफ कितना, ए एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कट ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अभी तक 1, 2, 3 ही हमारे साइड्स बन पाए हैं, आपका मन है तो यहां पे 4 सेंटीमीटर, यहां पे 4 सेंटीमीटर लिखते चलिए। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे
एंड में लिखिए फोर्स एंड ये सारी जो लिखने 120 डिग्री वगैरह भी आप एंड में लिखिए, क्योंकि कई बार आपको बाइसेक्टर वगैरह बनाना पड़ेगा और लिखकर फिर मिटाने में मजा नहीं आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एट एफ कंस्ट्रक्ट एंगल आर एफ ए, इसका नाम दे देते हैं आर एफ ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये भी है अपना 120 डिग्री, वही काम आप यहां पे करेंगे और उसके बाद कट ऑफ वाला काम करेंगे, है ना। तो जब आपने 120 डिग्री कर दिया तो चलिए अब हम लोग अभी से ही कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर वाला काम। तो ये देखिए, ये 4 सेंटीमीटर मार्कर में हमने ले लिया कंपास में और एफ पे रखा 4 सेंटीमीटर हमें मिल गया, ठीक है। तो जो पॉइंट हमें मिला वो पॉइंट क्या हम लोग दे देंगे, कट ऑफ एफ सी बोल दिया मैंने, गलत बोला, ये तो हमारा पॉइंट ई होना चाहिए, है ना, यहां से देख के लिख दिया गया है। तो ये पॉइंट हम लोग को मिल गया क्या, ई, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जल्दी से बना देते हैं। एट सी कंस्ट्रक्ट एंगल एस सी बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, कट ऑफ सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर था, दिखाया नहीं मैंने आपको, तो दिस वॉज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सारा काम हो चुका है हमारा, हम लोगों ने पॉइंट कौन सा लोकेट कर लिया, ए बी सी डी, है ना, यहां है। अब अगला स्टेप हमारा, अब देखिए 1 2 3 4 5 साइड्स बन गई, अगले स्टेप में यहां पर अब हमें कोई 120 डिग्री नहीं बनाना पड़ेगा। तो एक तरीके से हमें 4 बार 120 डिग्री बनाना पड़ा। अब हम लोग सीधा बोल देंगे क्या, ज्वाइन ईडी, है ना, ईडी बोलो या डीई बोलो, और उसके बाद हमारा रिक्वायर्ड जो है हेक्सागन वो बन चुका है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि अभी तो सिर्फ हेक्सागन ही बन पाया, है ना, हम लोगों ने ये ज्वाइन कर दिया। द हेक्सागन इज कंस्ट्रक्टेड, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ए एफ, ये बन गया। तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों ने बना लिए। दीज बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये लोग, और इसका नाम दे दिया हम लोगों ने ओ। With O as center and radius OA, O as center and radius OA, draw a circle. Looks good. Looks good. Hey. गड़बड़ हो रहा है क्या? Radius disturb नहीं होना चाहिए. Looks good. Looks good. बन गया भाई, ठीक है, सही है ना, तो सर्कल बन गया। द सर्कल सो ड्रॉन पासेस थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ ऑफ द हेक्सागन, इट इज द रिक्वायर्ड सर्कल circumscribing the hexagon of side 4 सेंटीमीटर। सिर्फ हेक्सागन के केस में ऐसा होगा,
कि सरकम सर्कल का रेडियस और इस हेक्सागन की कोई भी साइड दोनों सेम लेंथ की होंगी। यहां पे जैसे है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। सो दिस ह्यूज क्वेश्चन इज डन नाउ।